हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का यूएसएसजी साइंस यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में ईथर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज देने वाला हूं, अच्छा खासा रिएक्शन होने वाला है, किस तरह से इसका प्रिपरेशन होगा दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो में हम लोग इसके ईथर को कम्प्लीट कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग आज ईथर को एक अच्छे लेवल तक लेकर जाने वाले हैं, इस चैप्टर को एक इन पोजीशन तक ले जाने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ ईथर के अलावा इसका प्रिपरेशन, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ईथर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका विलियमसन प्रिपरेशन देख चुका था, है ना। वो रिएक्शन मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। प्रिपरेशन हम लोग देख रहे थे ईथर का, ईथर का प्रिपरेशन में हम लोगों ने देखा था विलियमसन साइंथेसिस या फिर प्रिपरेशन ही जो बोलिए। इसमें क्या देखा था दोस्तों कि मैंने हम लोगों ने कुछ इस तरह का रिएक्शन देखा था। एक कंपाउंड के साथ ONA और दूसरे के साथ कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ रहता था, हम लोग सिंपली क्या करते थे, यहाँ से NaCl को हटा देते थे और ये हमारा ईथर कंपाउंड बन जाता था, है ना। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है दोस्तों, या जब भी आपको इस तरह का रिएक्शन मिले तो आप सबसे पहले देखिएगा कि ONA के साथ हमेशा ज़्यादा कार्बन होना चाहिए Cl वाले आपके कार्बन के अपेक्षा। क्या कहा हमने, इसके पास हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, इसके पास हमेशा कम रहना चाहिए, तभी ये ईथर बनेगा दोस्तों और NaCl बनेगा। अगर ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों तो ये दूसरा कंपाउंड बना देगा, ये फिर एल्कीन बना लेगा, समझ गए हैं, एल्कीन बना लेगा। हालांकि हमको एल्कीन नहीं चाहिए, हमको ईथर चाहिए, इसलिए हम लोग ईथर के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरा रिएक्शन देखेंगे अल्कोहल से किस तरह से हम लोग अपना ईथर बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अल्कोहल से हम लोग बहुत सारी चीज़ बना चुके हैं, ये एक हम ईथर बना देंगे। ये रहा हमारा ईथर बनाने का अल्कोहल, कोई भी दो अल्कोहल का कंपाउंड लीजिए, उसको आप H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन हीट दीजिए, H2SO4 कंसनट्रेटेड रह सकता है, ये क्या होगा H2O को रिलीज कर देगा और ईथर बना लेगा CH3O CH3। समझ गए दोस्तों किस तरह से रिएक्शन हम लोगों ने किया, OH नहीं नहीं ये तो हो गया प्लस H2O। उसी तरीके से कोई भी दो अल्कोहल का कंपाउंड, ये रिएक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने रिएक्शन अच्छे से बताया दोस्तों, H2SO4 का रिएक्शन बताया था जब अल्कोहल था, इसका तीन कंडीशन मैंने आपको बताया था, उसको थोड़ा सा याद कीजिए, एक 300, एक 500, एक 400 के आसपास का हीट लेकर, यहाँ भी H2SO4 रहेगा कंसनट्रेटेड ही रहेगा और 413 केल्विन। तो इस कंडीशन में आपको बताया H2O रिलीज और ईथर प्रिपेयर, हमारा H2O खत्म। तो ये था दोस्तों अल्कोहल से। अब हम लोग देख लेंगे किस तरह से आपका हैलाइड से भी किस तरह से बनता है, वो भी आप लोग को दिखा देते हैं। एक तीसरा रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, है ना, हैलाइड वगैरह, कहने का मतलब जो भी आपका हैलोजन रहता है उस तरह के कंपाउंड से भी किस तरह से, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था उसका यूज, CH3CH3Cl और ये था सिल्वर ऑक्साइड, याद कीजिए दोस्तों, सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, मैंने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड दोनों से रिएक्शन बताया था, आपको दोनों याद होना चाहिए। NaCl हट गया और हमारा ईथर मिल गया प्लस NaCl। ये रहा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और भी कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो डायजोनियम क्लोराइड वगैरह से इसमें बहुत सारा बन सकता है, तो देखते हैं हम लोग आगे क्या बनाने वाले हैं। विलियमसन अल्कोहल और ये हमारा हैलोजन से भी किस तरह से बना है वो देख चुके हैं। अब अगला में देखते हैं कि क्या प्रिपरेशन है। अगला प्रिपरेशन हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, हम लोग डायजो एल्केन से हम लोग देखेंगे किस तरह से वो अपना अपना ईथर का कंपाउंड बनाता है वो देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग रिग्नार्ड एजेंट वगैरह को भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा चौथा रिएक्शन है कि किस तरह से डायजो एल्केन हमारा, लिख देता हूँ फ्रॉम डायजो एल्केन, ये होता है क्या दोस्तों, दिखाता हूँ आपको रिएक्शन ही बताता हूँ। अल्कोहल से कुछ कुछ कंपाउंड बनता है CH3OH और ये है हमारा जो मैंने बताया आपको, ठीक है। इसी से क्या होता है दोस्तों, ये देखिए इस तरह के कंपाउंड से जब भी रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हमेशा हमेशा हमें हम लोग को 400 केल्विन थोड़ा सा हीट देना पड़ता है, तो हम लोग को मिल जाता है CH3O CH3।
ठीक है दोस्तों, ये होता कैसे दोस्तों मैं वो भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको इसके लिए काम करना होगा। कुछ एग्जांपल्स और दिखाता हूँ मैं आपको, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कुछ भारी रिएक्शन तो नहीं था मेरे पास। इस बार लेता हूँ मैं C2H5OH। मैं बताता हूँ किस तरह से रिएक्शन बना। ये देखिए, मान ली N2 आपको पता है कि डबल बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करता है, ये 400 केल्विन, मैं यही बता रहा था। ये देखिए होता क्या है, एन ये अपना अपना अलग होकर हट जाता है, कहने का मतलब ये N2 अपने आप में ही हट जाता है, यहाँ से N2 हट जाता है। और ये क्या हो गया, ये सीधा आकर यहाँ पे जुड़ जाता है C2H5O, और ये वाला H इसके साथ CH3, ये बन गया हमारा कंपाउंड N2 वाला। तो इस तरह से होता है क्या दोस्तों, डायजो एल्केन के फॉर्म में हम लोग को ईथर प्राप्त हो जाता है। चलिए पांचवा रिएक्शन देख लेते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। नाम काफ़ी फेमस है दोस्तों, रिएक्शन भी फेमस है, और साथ ही साथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट काफ़ी रिएक्टिव होता है। मैं आपको हर एक बार जब भी बताता हूँ तो आपको बताया, तो ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। प्रोटोन डोनर से काफ़ी लव है इसका, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देखिए इसमें क्या होगा, आपको तो पता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से किस तरह से हम लोग अपना बनाते हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए ध्यान रखना होगा, हम लोग को इस तरह का कंपाउंड जब भी यूज होगा CH3OCH, या देख लीजिए दोस्तों ये पहले से ही हमें इथर है, लेकिन हमको सिर्फ क्लोरीन को हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी न किसी ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हम लोग ले आएंगे। अब ये क्या करेगा, आपको पता है दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया काफ़ी रिएक्टिव होता है। ये क्या करेगा, सीधा HCl MgBr जो है ये सीधा क्या कर लेगा, HCl से लेकर हट जाएगा बस। ये काफ़ी मतलब कि काफ़ी स्ट्रांग होता है दोस्तों, मतलब रिएक्टिव होता है। चलिए ये बन गया हमारा CHO CH2 और CH3 और MgBr के साथ और Cl के साथ अलग। एक और दिखाता हूँ दोस्तों मैं, जैसे कि C2H5 CH2 और Cl, और इस बार CH3 MgBr, साइड हम लोग के पास क्या बच गया, C2H5O, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं C2H5, जो है जैसा आपकी मर्जी। ये बन गया हमारा इथर। तो हम लोग को करना कुछ नहीं था, बस इसको हटाना था। अगर इसकी जगह पे H भी रहता तो भी वो हट जाता, लेकिन H रहता तो फिर तो वो बन जाता हमारे पास इथर। तो यही था हमारा इथर। तो इस तरह से हमने देखा डायजो एल्केन या फिर डायजो एल्केन में ए भी रहता है दोस्तों बीच में। चलिए डायजो एल्केन और ग्रिगनार्ड जैसे किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मैंने आपको बता चुका है। अब मैं आपको एक लास्ट रिएक्शन इसका बता देता हूँ, एल्कीन से किस तरह से बनता है, उसके बाद हम लोग फिर इसके अगले प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके अगले प्रॉपर्टी में। अभी एक रिएक्शन और है दोस्तों हमारे पास, एल्कीन के साथ किस तरह से रिएक्शन फॉर्म करता है वो देख लेते हैं। फ्रॉम एल्कीन, चलिए दोस्तों एल्कीन का एग्जांपल आप लोग को पता ही है। मान लीजिए मैंने एक एल्कीन ले लिया, ठीक है, और एक अल्कोहल। चलिए होता क्या दोस्तों, यहाँ से ये पहले अपने आप में अलग हो जाता है, ये प्लस माइनस के साथ OH अपना कंपाउंड अलग करता है, तो बनता क्या है हमारे पास CH3CH। ये डबल बॉन्ड को हटाना है हमको, यहाँ पे किसी तरह से OH को तोड़ कर लाना है। ये क्या करता है, OCH3 ऐसा कंपाउंड बना देता है, मतलब ये एक हाइड्रोजन प्लस बना, यहाँ से नेगेटिव, ये क्या किया यहाँ से, यहाँ मतलब टूट गया, ये बॉन्ड हट गया, ये हाइड्रोजन इसके पास चला है। यही होता है दोस्तों इस तरह का रिएक्शन में, यही बनता है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, CH3 डबल बॉन्ड CH2 C2H5 और OH, क्या होगा आपको पता है, CH3 और C, यहाँ पे भी CH3, यहीं पे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये वही इधर का कंपाउंड C2H5, और जो पहले से है वो भी इसमें एक हाइड्रोजन। ये था हमारा प्रोडक्ट एल्कीन से किस तरह से बना दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया। अब दोस्तों मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर ले चलता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा इस ईथर के कंपाउंड के लिए। चलिए दोस्तों उसमें मिलते हैं अभी।